कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए। और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल सी ड्रेस लेके आई हूँ। तो ये ड्रेस देखिए, यहाँ पे कान्हा जी को मैंने पहना रखा है और आप देख सकते हैं इसका घेरा बहुत ही प्यारा। शॉर्ट ड्रेस है ये, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है कान्हा जी पे, सिंपल है बिल्कुल। ये ड्रेस मैं हर साइज में बनाना बताऊंगी, तो आपके कान्हा जी का जो भी साइज है आप आराम से उनके लिए ये ड्रेस जो है इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट ड्रेस है, आप चाहें तो इसको इसकी चौड़ाई ज्यादा करके इसकी यहाँ पे ड्रेस जो है लॉन्ग बना सकते हैं। तो सिंपल मैंने नेट का फैब्रिक लिया है और इससे ड्रेस बनाई है। कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है, सिर्फ डोरी ली है, ना ही कोई लेस है, ना ही कोई मैंने डेकोरेशन की है, और सिर्फ नेट के कपड़े से ही काफी सुंदर सी ड्रेस जो है बनी है। तो देखिए, मैंने कान्हा जी से ड्रेस उतार के भी दिखा दी, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी है, रेड कलर की ड्रेस है। तो इस तरह से आप कोई भी फैब्रिक लेके ये ड्रेस जो है बना सकते हैं इजीली। यहाँ पे घनी फैब्रिक डाली है हमने, मतलब बहुत ही पास पास में यहाँ पे ये जो फ्रिल्स हैं वो डाली है, तो अच्छा लुक आ रहा है काफी इससे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको इसको बनाने में कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी एज सून एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। और प्लीज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, और राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे घेरा बनाना है, जिसके लिए मुझे एक लंबी स्ट्रिप कट करनी है इस तरीके से। यहाँ पे आपके कान्हा जी का जो साइज है आपको उनके अकॉर्डिंग जो है मेजरमेंट मैं यहाँ पे दूंगी, तो ये स्ट्रिप जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको कट करनी है। तो यहाँ पे देखिए एक साइज चार्ट है जिसमें मैंने 0 से 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए बताया है कि घेरे की जो चौड़ाई होगी, जो स्ट्रिप हम कट करेंगे वो चौड़ाई क्या होगी और उसकी लंबाई क्या होगी, और बाद में जब हम उस घेरे को तैयार कर लेंगे तो उसका कमर कितना होगा, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ स्ट्रिप की लंबाई और चौड़ाई की बात करनी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये सारे के सारे मेजरमेंट्स इंचीज में है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, 0 नंबर के लिए यहाँ पे 2.25 इंच चाहिए चौड़ाई, और लंबाई चाहिए 55 इंच। ऐसे ही यहाँ पे 1 नंबर के लिए सिर्फ 0.25 यहाँ पे बढ़ता जाएगा चौड़ाई के लिए, तो देखिए 2.25 है, फिर 2.5 इंच है, फिर 2.75 इंच है, फिर 3 इंच है, 3.25 इंच, 3.5 इंच, 3.75, 4.25, 4.50, 4.75। और घेरे की लंबाई में देखिए 5-5 इंचीज यहाँ पे बढ़ते रहेंगे। 0 नंबर के लिए यहाँ पे 55 इंच है, फिर उसके बाद 60, फिर 65, सिर्फ 70, 75, 80, 85, इस तरह से 10 नंबर के कान्हा जी के लिए 105 आएंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ, तो 3.25 जो है चौड़ाई होगी और 75 इंच जो है लंबाई लूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंचीज में, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाए बिल्कुल भी। अब यहाँ पे ये मेजरमेंट जो है आप या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या आपके कान्हा जी का जो भी साइज है आप उनको नोट डाउन करके मेजरमेंट रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने काफी लंबी सी एक स्ट्रिप कट की हुई है, ये काफी ही ज्यादा लंबी है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास इतनी लंबी स्ट्रिप नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, 2 इस तरह से स्ट्रिप कट करेंगे, 2 या 3, और उनको आपस में जोड़ के इतनी लंबी जो स्ट्रिप है तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने नेट का यहाँ पे स्ट्रिप ली है, आप कोई भी फैब्रिक यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉटन का यूज कर सकते हैं, कोई भी आपके पास जो अवेलेबल है अच्छी सी सुंदर सी फैब्रिक आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। 4 नंबर के लिए मेरे को 3.25 इंच जो है चौड़ाई चाहिए थी, तो यहाँ पे देखिए 3.25 इंच जो है चौड़ाई चाहिए। 3.25 इंच मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे देखिए 3 इंच के बाद 3.25 कहाँ पे आएगा, 2 लाइन बाद यहाँ पे आ जाएगा 3.25 इंच। 3 से 4 के बीच में हमारे पास 8 लाइनें होती है, सेकंड लाइन पे 3.25 इंच हो गया, ये एक बड़ी सी लाइन है। चौथी लाइन है जो फोर्थ लाइन है, 3.5 इंच हो जाएगा, ये 4.25 है और ये 4 है। तो इस तरह से है, तो जो मैंने आपको मेजरमेंट दिए थे तो 2.25 था 0 नंबर के लिए, तो 2.25 ये वाला हो जाएगा, उसका 2.5 ये हो जाएगा, फिर 3.25 ये हो जाएगा, फिर 3 ये हो जाएगा। इस तरह से इंचीज यहाँ पे मेजर आप कर सकते हैं। और देखिए, 75 इंचीज चौड़ी मैंने यहाँ पे स्ट्रिप ली है, ये काफी ही लंबी स्ट्रिप है। तो अब देखिए, स्ट्रिप कट करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे इस तरह से फोल्ड करना होगा ताकि इसकी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए, इस तरह से। और यहां से भी मुझे
कपड़े को फोल्ड करना होगा ताकि धागे जो है बिल्कुल भी उधड़े नहीं। तो आधा इंच हमारा कम हो जाएगा फोल्ड करने के बाद। तो फाइनल स्ट्रिप जो है उसकी चौड़ाई हमें 2.75 इंच चाहिए होगी। अगर आपको यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, आपका फैब्रिक ऐसा है कि उसके धागे नहीं उधड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे 2.75 इंच का कपड़ा जो है ले सकते हैं। अब मैं आपको ये फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद चौड़ाई जो है आधी इंच कम हो गई है। तो आप किन्हीं भी कान्हा जी के लिए अगर ड्रेस बना रहे हैं तो इस तरह से जब आप फोल्ड कर देंगे तो आधी इंच चौड़ाई जो है कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे ये स्ट्रिप जो है फिनिशिंग के साथ अब तैयार हो गई है। और फ्रेंड्स, ये मैं शॉर्ट ड्रेस बना रही हूँ इसलिए मैंने ये चौड़ाई ली है। अगर आप इसको लॉन्ग ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप इसकी चौड़ाई जो है अपने अकॉर्डिंग जो है कान्हा जी के लिए बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे फ्रिल्स तैयार करनी है। तो देखिए फ्रिल्स तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से 2 इंच की दूरी पे करीब करीब मैं बता रही हूँ, यहाँ पे इस तरह से कपड़ा उठाना होगा और इसको इसके थोड़ा सा आगे रखना होगा। फिर से आगे यहाँ पे कपड़ा उठाना होगा और फिर से इस पे रखना होगा। यहाँ पे देखिए दो स्ट्रिप्स के बीच में हम करीब एक लाइन जो इंचीज में एक लाइन है उतना गैप यहाँ पे रख रहे हैं इस तरीके से। आपको ये ज्यादा विजिबल नहीं होगा बट इस तरह से हम यहाँ पे फ्रिल्स बना रहे हैं। यहाँ पे इसी तरह से आगे फ्रिल्स बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे फिर से कपड़ा उठाऊंगी, इस पे रख दूंगी, बिल्कुल पास पास में मैं यहाँ रख रही हूं। तो आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ कितनी पास में मैंने यहाँ पे देखिए रखे हैं। ये करीब यहां पे रखा, उसके बाद मैंने यहां पे रखा है। तो करीब एक लाइन का इंचीज में अगर देखा जाए तो जो 8 लाइन्स होती हैं 3 और 4 के बीच में जो मैंने दिखाई थी, उसमें जो एक लाइन के बीच का जो गैप होता है सिर्फ उतना ही गैप मैं यहां पे रख रही हूं और इस तरह से यहां पे ये फ्रिल्स जो है बनाती जाऊंगी। इससे क्या होगा, इतनी घनी फ्रिल्स जब बनेगी तो जब हम कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे तो काफी अच्छा लुक आएगा। अगर आप थोड़ा चौड़ा फ्रिल रखेंगे तो क्या होगा कि आपको स्ट्रिप जो है थोड़ी कम कट करनी पड़ेगी, और अगर आपने स्ट्रिप की लंबाई अगर कम लेना चाहते हैं तो आप थोड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स जो है चौड़ी फ्रिल्स इस तरह से बना सकते हैं, पर उससे घेरा जो है उसका लुक थोड़ा सा कम अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिल्स बना ली और घेरा तैयार किया है, तो काफी प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं। और बहुत ही घने यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब हम कान्हा जी को पहनाएंगे तो ये काफी घनी यहाँ पे फ्रिल्स बनी है, तो इतना अच्छा लुक आएगा आप देख सकते हैं इस तरह से, काफी अच्छा लुक आएगा। तो इस तरह से इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्रिल्स जो है काफी घनी ली है और स्ट्रिप जो है काफी लंबी कट की थी। अब इसके बाद हमें नेफा लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप कट की है जो कि 1.5 इंच चौड़ाई में है, करीब करीब 1.5 इंच से इनफैक्ट थोड़ी सी कम ही है। तो इस तरह से आप थोड़ी सी चौड़ाई की स्ट्रिप कट करनी है और लंबाई में देखिए करीब 6.5 इंच की, 6.5 इंच से थोड़ी सी ऊपर ही है, 7.5 इंच की है। तो यहाँ पे देखिए ये डिपेंड करता है लंबाई जो है, क्योंकि जो आपके कान्हा जी की ड्रेस है उसकी जो कमर है यहाँ पे जैसे कि 4.5 इंच है, तो थोड़ी सी आपको ज्यादा कट करनी होगी, 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 7 इंच की ये लंबाई ली है और नेफे के लिए 1.5 इंच चौड़ाई काफी रहेगी, तो यहाँ पे 1.5 इंच इस तरह से कट कर ली है। अब ये नेफा लगाएंगे कैसे, देखिए ये जो हमारा फैब्रिक है इसका उल्टा साइड है, सॉरी सीधा साइड है, इसको हम उल्टा साइड कर लेंगे इस तरह से, और ये ड्रेस जो है ये हमारी सीधी साइड है, ड्रेस की भी उल्टी साइड इस तरह से कर लेंगे। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से, यहां पे हमें इस तरह से इसको लगाना है। बट इससे पहले मैं यहां पे इसकी ये वाली जो चीज है फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद मैं यहां पे इसको इन दोनों कॉर्नर्स को मिलाऊंगी और इसके ऊपर ऊपर यहां पे मैं पूरे पे इस तरह से टांका लगा दूंगी। ये लगा के आपको दिखाती हूं। तो यहाँ पे देखिए नेफे की स्ट्रिप इसके साथ अटैच कर दिए घेरे के साथ। अब हम वर्क को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज है, देखिए यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी फोल्ड कर दिया, इधर फोल्ड नहीं किया, तो अब इस बार फोल्ड करेंगे, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब नेफे के लिए इधर से भी यहाँ पे इस तरह से करेंगे, फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरह से आगे की तरफ यहाँ पे नेफे के लिए ये इस तरह से सेट करूंगी। बट इससे पहले हमें यहाँ पे डोरी भी लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इस तरह से डोरी पड़ी है, मैं यहाँ पे ये लगा दूंगी।
आप चाहें तो ये डोरी बाद में भी लगा सकते हैं, बट पहले लगा लेंगे तो एकदम इजी रहेगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से डोरी रखूंगी। अब यहाँ पे ये जो कपड़ा है फोल्ड करूंगी इसके साथ, तो ये कपड़ा फोल्ड करते हुए डोरी लगाऊंगी। ये डोरी लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने नेफा यहाँ पे लगा दिया और डोरी इसके साथ अटैच कर दिया। काफी ही सुंदर लगने लग गया है। डोरी भी देखिए मूव कर रही है, तो काफी अच्छे से ये घेरा जो है बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसकी चोली की तरफ प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे देखिए मुझे इस तरह से एक स्ट्रिप कट करनी है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हम कैसे कट करेंगे, जो लंबाई आपके वेस्ट की है मतलब ये कमर की जो है वही 4.5 इंच यहाँ पे कमर है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, उसी की मुझे यहाँ पे लेंथ वाइज यहाँ पे ये स्ट्रिप जो है कट करनी है। मैं आपको साइज चार्ट भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे कमर जो है 0 नंबर के लिए 2.5 इंच होनी चाहिए, 10 नंबर के लिए 7.5 इंच और 4 नंबर के लिए 4.5 इंच होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे कमर होना चाहिए। तो ये कमर की लंबाई जितनी ही मैंने स्ट्रिप कट कर ली है और इसकी चौड़ाई देखिए यहाँ पे घेरे की जितनी चौड़ाई है उससे थोड़ी सी कम है। तो इस तरह से थोड़ी सी कम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से चोली के लिए हमें इस तरह से एक स्ट्रिप जो है कट करनी है। अब देखिए ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। सीधी साइड हमारी अंदर आनी चाहिए और हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। और इसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे इस तरह से स्टिच करना है। ये नेक की साइड जो होगी वो यहाँ पे थोड़ी छोटी आएगी और यहाँ पे थोड़ा चौड़ा आएगा। तो यहाँ पे जब मैं टांका लगाऊंगी तो इस तरह से लगाना है, यहाँ पे इस तरह से टेढ़ा जाएगा, फिर ऊपर की तरफ लगाऊंगी, फिर यहाँ पे फिर से टेढ़ा लगाऊंगी और नीचे की तरफ नहीं लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से टांका लगा दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें कट करना है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया। अब इसको मैं सीधा कर लूंगी। तो देखिए सीधा कट करने के बाद मैं इसको फिर से टांका लगा दूंगी यहां पे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए मैंने टांका लगा लिया और अच्छे से सेट कर लिया। अब इसको मुझे घेरे के साथ अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पे घेरे का सीधा पोर्शन मैंने यहाँ पे रख लिया है। चोली को इस तरह से रखूंगी घेरे के ऊपर और यहाँ पे मुझे बीचों बीच टांका लगाना है। बट यहाँ पे देखिए बीच का पोर्शन देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे इसका बीचों बीच आ गया है, ये वाली चीज है। तो यहाँ पे मैं अंगूठा रखूंगी और यहाँ पे भी जो ओपन वाली साइड है वो देखेंगे और उसका भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसका भी बीचों बीच इधर रखेंगे। और अब इसको ओपन कर दूंगी तो यहाँ पे एकदम सही से आ गया है। अब मैं इसको यहाँ पे टांका लगा दूंगी। तो देखिए घेरे के साथ ये चोली जो है मैंने अटैच कर दी है। इस तरीके से अब हम इसको पहनाएंगे और यहाँ पे भी मुझे अभी डोरी लगानी है। तो यहाँ पे देखिए सेम डोरी मैं यहाँ पे लगाऊंगी और इस तरह से लगाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर दूंगी और ये डोरी लगा दूंगी। ये डोरी लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स चोली पे ऊपर भी मैंने डोरी लगा ली और बहुत ही ज्यादा अच्छी फिटिंग आई है। मैंने कान्हा जी को पहना के देखा है और काफी इजी है ड्रेस बनाने में और अट्रैक्टिव भी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इस तरह से वीडियो जो है कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।